तो चलिए विवेक, हम आपको दिखाते हैं। हमने बैग तैयार किया था, लेकिन अब दोबारा चेकिंग करें कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं हमने अजाफी अंदर रख ली। तो बिस्मिल्लाह। तो जी भाई, ये मेरा मार्क्स है, ये मैं स्कूल में लगा के जाती हूँ। ये मेरे पेन वाटर है, ये मार्कर है, ये कच्ची पेंसिल है, ये रिमूवर है, तो ये पेन है, और ये शार्पनर है, और ये रेजर है। तो आप सोच रहे हैं मैं कौन सा कच्ची में पढ़ रही हूँ रखा, लेकिन हमें मैथ करने में ना आसानी होती है अगर जब कोई अजाफी सवाल मतलब प्रैक्टिस के लिए जब करने हो तो हमें कच्ची पेंसिल से कर लेते हैं, जो गलत हो जाए तो वो रेज कर लेते हैं उसे रेज। तो इसलिए मैंने ये भी इस्तेमाल रखा हुआ है। पेन से करेंगे तो वो रेज करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, सफ़े ख़राब हो जाते हैं, इसलिए तो इस स्लिप को करते हैं बैक बंद। तो अब इस स्लिप को खोलते हैं। तो जी भाई, ये मेरी कापियाँ हैं, ये नीड है, मैंने तीन ही ली हुई हैं। तो जी भाई, ये मेरी कापियाँ हैं, तो नीड है, लेकिन हमें 10th क्लास में पढ़ते हैं इतना काम नहीं मिलता, कोई टीचर है जो देती है उर्दू की वैसे मैथ की, बस यही बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने दो अजाफी रखी हुई हैं, तीन रखी हुई हैं। तो मैंने कहा दो टीचर्स काम देती हैं, एक अजाफी रख लेती, कोई और भी टीचर लगवा सकती है, तो इसलिए मैंने तीन ही रखी हुई, ज़्यादा नहीं रखी। मैंने कहा ऐसे बोझ इतना ज़्यादा बैग उठाया नहीं जाएगा, तो जाते तो हम रक्षे पे हैं, लेकिन बैग पकड़ के तो रखना पड़ता है, एक डर होता है कि खुद ना गिर जाऊँ, लेकिन फिर भी। तो आगे हम आपको अपनी बुक्स दिखाते हैं। तो ये भी मैंने रफ अमल कापी रखी हुई है, कोई रफ चीज़ लिखनी हो तो इसमें लिख सकते हैं। तो ये मेरी होम इकोनॉमिक्स की बुक है 10th की, तो मैंने आर्ट्स रखी है, साइंस बहुत मुश्किल थी इसलिए मैंने कहा हमने कौन सा ट्यूशन रखी है इसलिए मैंने आर्ट्स ही रख ली। तो ये जनरल साइंस है। तो जीवन किताबें बहुत महंगी हैं, तो कम से कम मैंने 3000 में ली हैं ये सब किताबें। तो ये इंग्लिश का आईना है, इंग्लिश की गाइड, इंग्लिश का आईना भी कहते हैं, ये देखो 10th का ग्रामर। तो ये जनरल रियाजी का आईना है, टीचर भी करवाती हैं, लेकिन जब स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है, काम कोई घर में काम हो ज़रूरी, तो इसलिए हम जब टीचर हम नहीं जाते तो वो सवाल इससे हम देख के समझ लेते हैं, इससे बहुत अच्छी समझ आती है, लेकिन टीचर की भी आती है, लेकिन टीचर का अपना तरीका है, इस आईने का अपना तरीका है, खुद देखो समझो, टीचर समझाती है वो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो हम आखिरी जिप है, अब ये खोलते हैं। तो जी भाई, ये देखें हमारी इस्लामियत की बुक है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने सफ़े ये क्यों रखे हैं, तो ये मेरे टेस्ट हैं जो हमने देने हैं छुट्टियों के बाद। तो आप सोचेंगे पता नहीं क्या है, इसलिए मैंने आपको तो दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये हमने टेस्ट बनाए हुए हैं अब आर्ट के, तो मैंने बुक्स में रख ली क्योंकि गुम ना हो, जब बुक्स निकालेंगे तो निकल आएगी। तो ये अल कुरान की बुक है, तो ये तर्जमा अल कुरान मजीद है जवाद दहम की, तो क्लास 10th की है, पहले तो नहीं निकली थी, जो हमारे से पहले 10th क्लास पढ़ के वो तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन हमने 9th में भी पढ़ी है और 10th में भी पढ़ेंगे। जनरल साइंस है, तो ये मुझे कुछ टॉपिक इसके अच्छे लगते हैं जो आसान होते हैं, तो जो होते हैं ना एज ए साइंसदानों के मतलब के ऐसे कैमरे वगैरह, ये मुझे बहुत गंदे लगते हैं। तो मेरी सबसे फेवरेट किताब है रियासी, जो मुझे करने में अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इजी से करती हूँ। तो ये इंग्लिश की बुक है, पहले तो मैंने आईना दिखाया था, अब बुक दिखा रही हूँ, इधर उर्दू की है उधर इंग्लिश की। तो ये उर्दू का आईना, मशहूर वगैरह हम इससे करते हैं, खुलासे वगैरह, कहानियाँ ऐसे, और अबारत वगैरह हम इससे करते हैं, सब आईने से ही होता है। उर्दू की बुक की तो ज़रूरत नहीं होती,
हुकूमत जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो 3 बुके देती है, वरना हमें तो 3-4 थाउज़ेंड की खरीदनी पड़ती है। तो ये मेरा मैथ का रजिस्टर है नीड, मुझे तो इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा है, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत प्यारा लगेगा। तो ये देखें नेकलेस कितना प्यारा बना हुआ है, ये फूल बने हुए हैं। वो तो बहुत ज़्यादा काम मिला था, हम तो लिख लिख के हमारे हाथ थक चुके थे इसलिए। तो जी अगर हम पैक करते हैं पैक, एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं निकली, मैंने सारी इस्तेमाल वाली चीज़ें रखी हुई थी, तो फिर भी कोई शक था कि कोई एक्स्ट्रा होगी, लेकिन नहीं है। तो जी अगर हमने बैग तो पैक करना शुरू कर दिया, अब हमने यूनिफॉर्म को वॉश करके रख लिया था, तो अब उसे करेंगे प्रेस, तो अगली वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे। हम वीडियो को इतना लंबा नहीं करते, यहीं पे करते हैं एंड। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हम ज़रूर रोज़ाना एक वीडियो डाला करेंगे, अगर हमारे नहीं ज़्यादा होंगे तो हम ऐसे ही 2-3 दिन के बाद एक वीडियो डाला करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब करें चैनल को, तो आप हम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकूँ। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इजाज़त।